सो हेलो YouTube फैमिली, ये वीडियो है टॉप 10 कॉमेडी मूवीज का पार्ट 2। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसे इस वीडियो के बाद हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ सबसे खास कॉमेडी मूवीज का, जो आपको लाफ्टर का 440 वोल्ट का झटका देंगी। और इस लिस्ट को बनाते समय हमने इंडियन ऑडियंस के टेस्ट को खास तौर पे कंसीडर किया है। नंबर 1, वी आर द मिलर्स। स्टोरी की शुरुआत होती है डेविड से, जो अपने शहर का एक लुक्का सा ड्रग डीलर है, जो कि छोटा मोटा ड्रग बेचकर चैन की लाइफ जी रहा होता है। लेकिन तभी डेविड की मुलाकात होती है केनी नाम के छपरी लड़के से। केनी डेविड को अपना आइडियल मानता है, क्योंकि केनी को लगता है डेविड किसी अंडरवर्ल्ड डॉन से कम नहीं है और काफी कूल भी है। और केनी डेविड से कहता है कि वो उसे उसका चेला बना दे। और तभी केनी की नजर पड़ती है घर के बाहर कुछ आवारा लड़कों पर, जो एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, जिसे देखकर केनी के अंदर का सुपर हीरो जाग जाता है और वो लड़के उस लड़की को छोड़कर केनी की बजाने लगते हैं। और ये देखकर डेविड को मजबूरी में वहां जाना पड़ता है। डेविड जैसे तैसे मामले को रफा दफा करता है, तभी केनी अपना मनहूस मुंह खोलता है और सब कुछ उगल डालता है कि डेविड एक ड्रग डीलर है, क्योंकि केनी को लगता था कि डेविड किसी अंडरवर्ल्ड डॉन से कम नहीं है। उसे लगा कि ये सड़क छाप लड़के ड्रग डीलर का नाम सुनके अपनी पैंट गीली कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये लड़के डेविड पर झपट पड़ते हैं, उसके घर में घुसकर सारा ड्रग्स और कैश लूट लेते हैं। इसमें वो ड्रग्स भी शामिल थे जिसे बेचकर डेविड को उसका पैसा चुकाना था। अब डेविड के सामने बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि डेविड जिससे ड्रग खरीदता है वो एक नंबर का कमीना इंसान है, और इस कमीने इंसान का नाम है ब्रेड। ब्रेड डेविड से कहता है कि अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, जिसमें से पहला है कि डेविड को मेक्सिको में ब्रेड के बताए अड्डे पर जाना है। वहां जाकर उसे सिर्फ इतना कहना है कि उसे पाब्लो चिकॉन ने भेजा है, जो कि ब्रेड का ही दूसरा नाम है, जिसके बाद डेविड वहां से ड्रग लेकर अमेरिका वापस आ जाएगा। इसके लिए ब्रेड डेविड को $1,00,000 भी देगा, वरना ब्रेड के पास दूसरा रास्ता यह है कि वो डेविड को मार दे। तो डेविड को ब्रेड की इस डील को मानना पड़ता है। लेकिन डेविड की समस्या यहाँ खत्म नहीं होती। अभी सबसे बड़ी समस्या थी कि इतने सारे ड्रग्स को बॉर्डर क्रॉस कराना। लेकिन तभी डेविड की नजर पड़ती है एक फैमिली पर, जिसे ट्रैफिक रूल तोड़ने के बाद भी पुलिस वाला आराम से जाने देता है। जिसे देखकर डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो भी फैमिली का इस्तेमाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए करे तो पुलिस से आराम से बच जाएगा। लेकिन इस प्लान में एक दिक्कत थी, फैमिली, क्योंकि लुक्के डेविड की कोई फैमिली तो थी नहीं। तो डेविड जुगाड़ करने निकलता है फैमिली का, जिसमें वो अपनी वाइफ के तौर पर रोज को चुनता है, जो कि डेविड की एक्स प्लस एक बार डांसर थी, जो शुरुआत में डेविड को मना करती है। लेकिन डेविड का मनहूस साया पड़ने के कारण उसकी नौकरी छूट जाती है और वो डेविड को मजबूरी में हाँ बोल देती है, और वो बच्चे के तौर पर छपरी केनी और केसी को चुनता है। और अब ये सभी टपोरी शराफत का चोला पहनकर निकलते हैं मेक्सिको की ओर। अब इस मूवी में इनके आगे की जर्नी देखकर आपको बहुत मजा आएगा, और IMDb ने इसे 7/10 की रेटिंग दी है। नंबर 2, हॉरिबल बॉसेस। तीन दोस्त निक, कर्ट और डेल, जो कि अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इन तीनों की प्रॉब्लम सेम है, इनके कमीने बॉसेस, जिन्होंने इनकी लाइफ झंड करके रखी हुई है। लेकिन आप लोगों को इनकी हालत ऐसे समझ नहीं आएगी, तो पहले हम इनके बॉसेस के कमीनेपन पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं निक के बॉस डेव से, जो कि निक को कई महीनों से प्रमोशन का चूरन देकर खच्चरों की तरह काम करा रहा है। और जब प्रमोशन की बारी आती है तो डेव खुद ही वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। और जब गुस्से में निक रिजाइन देने को कहता है तो डेव निक को धमकी देता है कि वो उसका करियर बर्बाद कर देगा। इसके बाद बात करते हैं बॉबी की। बॉबी जो कि कर्ट का बॉस है, और ये एक नंबर का नशेड़ी और दिमाग से पैदल इंसान है। बॉबी को अपनी अय्याशी के अलावा किसी की नहीं पड़ी, और बॉबी की कर्ट से इसलिए भी नहीं बनती है क्योंकि बॉबी का बॉस कर्ट को बॉबी से ज्यादा मानता था। इसलिए बॉबी जब बॉस बना तो उसने कर्ट की लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। अब बात करते हैं डेल की, जो कि एक डेंटिस्ट की क्लिनिक में असिस्टेंट है। इसकी लाइफ का एक ही मकसद है, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना। लेकिन डेल की बॉस जूली उसे हमेशा उसके साथ सोने के लिए उकसाती रहती है, और डेल को धमकी देती रहती है कि अगर वो उसके साथ नहीं सोएगा तो वो उसकी शादी ये बोल के तुड़वा देगी कि डेल और उसका चक्कर चल रहा है। तो ये थी इन तीनों की कहानी। ये तीनों अपने बॉसेस से परेशान होकर अपने बॉसेस को टपकाने का सोचते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको 1.5 घंटे का नॉन स्टॉप लाफ्टर देगी, और IMDb ने इसे 6.9/10 की रेटिंग दी है। नंबर 3, सुपरबैड। ये एक परफेक्ट हाई स्कूल टीनेज मूवी है। सत और एविन, जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनका हाई स्कूल खत्म होने में बस 3 हफ्ते बाकी हैं, जिसके बाद ये दोनों अलग अलग कॉलेजेस में चले जाएंगे। सेथ, जिसके दिमाग में सिर्फ लड़कियां, पॉर्न और सेक्स भरा रहता है, की एक इच्छा है कि हाई स्कूल खत्म होने से पहले ये दोनों सेक्स कर चुके हों। सेथ अपने क्लास की एक लड़की जूली और एविन बेका को लाइक करता है। बस प्रॉब्लम इतनी है कि इन्हें लड़कियां भाव नहीं देती। इनकी तो हालत इतनी खराब है कि इन्हें लड़के भी भाव नहीं देते। लेकिन सेथ की किस्मत एक दिन पलटती है,
और सेथ को जूल्स का क्लास पार्टनर बना दिया जाता है और जूल्स सेथ को अपने घर पर एक पार्टी में इनवाइट करती है और सेथ से बोलती है कि क्या वो पार्टी में सबके लिए दारू ले आएगा। तो बेचारा सेथ जूल्स को कैसे मना करता। सेथ एविन को सब कुछ बताता है और पार्टी में बेका को भी इनवाइट करने को कहता है। सेथ और एविन को ये पार्टी लड़कियों को इम्प्रेस करने का एक आखिरी चांस की तरह नजर आती है। अब ये दोनों जाते हैं अपने फ्रेंड फोगल के पास, जिसने अभी अभी एक फेक आईडी बनवाई थी, और इसी फेक आईडी का यूज करके ये दारू खरीदने का प्लान बनाते हैं। और आगे मूवी में आपको देखने को मिलेगा कि ये लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं करते और इनका यह मिशन कामयाब होता है या नहीं। बात करें सुपर बैट की क्रिटिक रेटिंग का, तो IMDb ने इसे 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 4, लायर लायर। दोस्तों, ये स्टोरी है एक ऐसे लॉयर की जो सबसे बड़ा लायर है। ये एक ऐसा वकील है जो किसी भी केस को बड़ी आसानी से झूठ के दम पर जीत लेता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फ्लेचर, जो कि एक बहुत बड़ा वकील है, जो अपने 5 साल के बेटे से बहुत प्यार करता है। फ्लेचर का झूठ की वजह से अपनी वाइफ ऑड्री के साथ डिवोर्स हो चुका है। फ्लेचर इतना बड़ा झूठा था। एक दिन फ्लेचर की क्लाइंट समंथा पूछती है कि मेरे केस में तुम्हें झूठ को सच बनाना होगा, इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। इस पर फ्लेचर बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस ये बताओ तुम जिन बच्चों को पाल पोस रही हो वो तुम्हारे पति के ही है ना। इस पर समंथा बोलती है उनमें से कम एक तो मेरे पति का ही है। और फ्लेचर बोलता है कि क्या जमाना आ गया है, इतनी शरीफ महिला हमारे सामने बैठी है तो क्या हुआ अगर तुम 7-8 मर्दों के साथ सो भी गई। अगर तुम्हारा पति तुम्हें खुश रखता तो क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें किसी दूसरे मर्द की बाहों में जाने की। तुम्हारी मांगे बिल्कुल सही हैं, तुम्हें प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मिलना ही चाहिए। झूठा फ्लेचर एक दिन अपने बेटे मैक्स को घुमाने ले जाता है और मैक्स को अपने ऑफिस में जाकर बैठा देता है। बेचारे 5 साल के मैक्स को समझ आ जाता है कि उसके पापा ने उसे गोली दे दी, और हद तो तब पार हो गई जब फ्लेचर ने मैक्स के बर्थडे वाले दिन ही गोली दे दी। फ्लेचर अपनी अय्याशी में इतना बिजी हो गया कि वो अपने बेटे मैक्स को काम का बहाना बनाकर उसकी बर्थडे पार्टी में गया भी नहीं। मैक्स अपने डैड के झूठ से परेशान होकर अपने बर्थडे वाले दिन एक विश मांगता है कि काश उसके डैड झूठ बोलना बंद कर दे। और अगले दिन फ्लेचर को एहसास होता है कि वो चाह के भी झूठ नहीं बोल पा रहा। आगे मूवी में आपको ये देखकर बहुत मजा आएगा कि एक महाझूठा वकील फ्लेचर सच के रास्ते पे कैसे चलता है। IMDb ने इस मूवी को 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 5, नेबर्स। 2014 में रिलीज हुई नेबर्स एक आर रेटेड कॉमेडी मूवी है। दोस्तों, ये एक फुल टू कॉमेडी मूवी है जिसमें आपको कॉमेडी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। एक कपल सैम और कैली अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स को खर्च करके एक घर लेते हैं और उस घर में अपनी न्यूली बॉर्न बेबी के साथ शांति से रहने लगते हैं। तभी एक दिन इनके पड़ोस में एक कॉलेज स्टूडेंट ग्रुप डेल्टा साई रहने आता है। सैम और कैली सोचने लगते हैं कि इन यंग लड़कों से दुश्मनी लेना ठीक नहीं रहेगा और हम इनसे दोस्ती कर लेते हैं, फिर प्यार से बोलेंगे कि देर रात थोड़ा शोर कम मचाएं। और सैम और कैली का ये प्लान काम करने लगता है। अब ये अधेड़ उम्र का कपल इस ग्रुप के साथ लेट नाइट पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा फूंकते हैं, बेसिकली इनकी दोस्ती अच्छे से चल रही होती है। जब तक कि सैम एक दिन एक बेवकूफ़ी नहीं कर देता। सैम एक रात लाउड म्यूजिक के कारण डेल्टा साई ग्रुप की पुलिस कंप्लेन कर देता है और अब शुरू होता है सिलसिला दुश्मनी का। ये तीनों पड़ोसी एक दूसरे की बजाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। इनकी बजने बजाने का यह सिलसिला आपके पेट में दर्द जरूर कर देगा। IMDb ने इसे 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन कीप एंजॉय।